Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from latestly. एक तरफ जहां कम आबादी वाले विकसित देशों में प्रतिदिन कई हजार नए केसेस और सैकड़ों की संख्या में डेथ रिपोर्ट हो रही हैं, वहीं हिंदुस्तान में अब तक टोटल 1071 कंफर्म केसेस आए हैं और 29 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं टोटल। पिछले 24 घंटे में 92 नए कंफर्म केसेस और 4 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अगर एक एनालिसिस जो हमने किया है कि 100 केसेस से 1000 केसेस की जो टाइम पीरियड जो हमारे देश में करीब 12 दिन लगे हैं, जिस तरह से हमारे केसेस की ग्रोथ हुई है, तो दूसरे देशों में करीब 3500, 5000, 6000 और एज हाई हैज 8000 तक के करीब केसेस आए हैं। ये देश विकसित देश हैं, इनकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है और हम प्रगतिशील देश हैं और हमारी जनसंख्या कई गुना ज़्यादा है। इसका एक ही कारण मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, वो है कि पब्लिक का सहयोग और हमारा कलेक्टिव प्रीएम्प्टिव एक्शन, हमारे एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ फोकसिंग ऑन सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन। We have to come out of the semantics and we have used the word in a very limited context in a way to highlight what we are going to do action at field. Nowhere we are saying there is community transmission. It is only local transmission in this country. Let me repeat it, and we will be the first one to get back to you to explain that yes, there is community transmission in the country if need be, because if it is going to be there, we will come back to you and through you would like to inform community to increase our level of alertness and management at the field level. So in a very lighter vein, I would just like to highlight, kindly allow us to use the word community as and when we think we need it, but it is not put it in the context in which you are trying to interpret it. At 38,442 tests abhi tak conduct kiye gaye hain, usme 3501 कल टेस्ट हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि अभी भी हम 30% से नीचे ही है टेस्टिंग कैपेसिटी के। 115 जो ICMR नेटवर्क में के लैब्स हैं वो आज फंक्शनल हैं। 47 प्राइवेट लैब्स को हमने परमिशन दी है। प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों का टेस्टिंग हुआ, पिछले 3 दिन में 1334 लोगों का टेस्ट हुआ, कल 428 लोगों का हुआ था, तो एवरेज तकरीबन 420-450 के बीच में शायद गिर जाएगा।